नमस्कार साथियों, मैं गंगाराम और आज मैं आपको बताऊंगा राशि रत्नों को बहुत ध्यान से देखने पर, खासकर जो सस्ते रत्न होते हैं उनमें कभी कभी छोटे छोटे खड्डे पाए जाते हैं, कहीं से टूटा हुआ होता है, छोटा मोटा कोई स्क्रैच होता है, या रत्न को अंदर की तरफ बहुत ध्यान से देखने पर उसमें अंदर कोई लाइनिंग है या आपको ऐसा लगता है कि अंदर से यह रत्न टूटा हुआ है, तो उसका आपके जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या कहीं से भी थोड़ा सा भी टूटा हुआ या चटका हुआ रत्न आपको खरीदना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, यदि आपके रत्न में खड्डा है, स्क्रैच है, चारों तरफ घुमा करके देखने से आपका रत्न थोड़ा सा भी टूटा हुआ है कहीं से, या उसमें लूप से या किसी दूरबीन से अंदर की तरफ देखने पर उसमें बड़ा कोई चीर चपाट है, तो निश्चित रूप से ऐसा जो रत्न है वह बहुत तेज़ी से एक्सीडेंट का, चोट लगने का, हड्डी टूटने का या अकाल मृत्यु का प्रबल और प्रबलतम योग बनाता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में टूटा हुआ खंडित रत्न नहीं पहनना चाहिए, यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। साथियों, बहुत छोटी सी वीडियो है, छोटी सी जानकारी है, लेकिन कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए